हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सौरव और आज हम इस पंखे को खोलकर देखेंगे कि आखिर बैटरी वाले पंखे के अंदर आखिर होता क्या है। तो आप देख सकते हैं ये पंखा रखा हुआ है, और अगर मैं आपको इसकी कुछ बेसिक डिटेल बताऊं तो मैं बता देता हूं। ये देखिए, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी डलती है। बाकी अगर आप आगे से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पंखा है वैसे। ये देखिए, बोया का पंखा है। चल झूठा, बोया का नहीं, कॉस्मोस का। मैं मजाक कर रहा था। ये देखिए, कॉस्मोस की चिट लगी है। वो तो बोया की चिट थी मेरे पास, इसलिए मैंने वो वाली चिट लगा दी। तो ये हमने खरीदा था 1400 रुपये का, तब आज से 4 से 5 महीने पहले। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पंखा है, कोई दिक्कत नहीं आई है। बस इसके साथ जो बैटरी आई थी 1400 रुपये में, आपके साथ बैटरी आई है इसके साथ 1400 रुपये की में, तो उसके साथ जो बैटरी आई थी ना, वो जरूर ख़राब हो चुकी है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं चली है। तो अगर आप पंखा ले रहे हैं ये वाला, या बैटरी वाला कोई पंखा ले रहे हैं, तो आप बैटरी ना अलग से ले लेना, क्योंकि बैटरी अगर आप अलग से लेंगे तो वो बैटरी ज़्यादा चलती है अगर देखा जाए तो। और हो सके तो बड़ी वाली बैटरी ले लेना, बड़ी वाली बैटरी लोगे तो और ज़्यादा चलेगी और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। वैसे इसके साथ जो बैटरी आती है उससे 4 से 5 घंटे चल जाता है, लेकिन अगर आप अलग से बैटरी लेंगे तो इससे 20 से 22 घंटे चल जाएगा। न्यू बैटरी लेंगे तो, पुरानी की मैं नहीं कह सकता, ठीक है। अगर आप न्यू बैटरी लेंगे ये वाली, तो ये 20 से 22 घंटे आराम से चला देगा। और आप देखिए, मैं आपको एक बार इसकी हवा दिखा देता हूँ। देखिए देखिए कितनी ज़ोर से हवा दे रहा है। अगर घर में एक या दो जन है तो आराम से हवा पर्याप्त है इसकी, मतलब जब लाइट चली जाए तो। वैसे तो कोई बैटरी वाले पंखे को यूज करता नहीं है, पर लाइट चली जाए तो आराम से आपको हवा दे देगा सोने लायक, इतनी तो है ही। ये देख कितनी ज़ोर से हवा दे रहा है। तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको खोल कर दिखा देता हूँ आपको। एक नट खुल चुका है। तो दोस्तों, जब तक मैं नट खोल रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। क्या ना, वो पकड़ बन नहीं पा रही है, उस वजह से वो खोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये खुल चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खुल चुका है। अब बस ये 3 नट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खुल चुका है। 6.5 नट हमने खोल लिए हैं, बस इसको खोलना बाकी है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि बैटरी वाले पंखे के अंदर आके होता क्या है। तो देखिए, ये ट्रांसफार्मर होता है, ये सिर्फ चार्जिंग के वक्त काम में आता है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं। और इंडिकेटर है ये दिखाने के लिए पंखा चालू है कि नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं आराम से, इसके अंदर यहाँ पर बैटरी डल जाती है। ये सर जो खाली है, मतलब बैटरी हमने निकाल ली है। क्या वो बैटरी ख़राब हुई थी, उस चक्कर में हम बड़ी वाली बैटरी लिया, उसी से चला लेते हैं आराम से। तो वो बैकअप अच्छा दे देती है। अगर देखा जाए तो 20 से 22 घंटे बहुत होते हैं, इतनी ज़्यादा लाइट हमारे जाती भी नहीं है, 4 से 5 घंटे जाती है मुश्किल से, कभी कभी दो घंटे ही जाती है। तो आराम से चला लेता पंखे को। तो आप देख सकते हैं ये कुछ स्विच के तार हैं, ये दो तार देखिए हमने निकाल लिए। ये हमने क्या, बैटरी के तार है ना, वो एक्स्ट्रा निकाल लिए। तो उससे क्या होता है ना, हम चाहे ऐसे बाहर की बैटरी से कोई भी पंखा आराम से चला सकते हैं इसके माध्यम से, ये दो तारों के माध्यम। तो अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बैकअप अच्छा दे देता है। लेकिन बैटरी अलग से ले लेंगे तो बैकअप ज़्यादा अच्छा देगा। बाकी इसकी स्पीड ये तय, स्पीड इस पर तय करती है कि बैटरी कितनी चार्ज है। अभी क्या, हमारी बैटरी कम चार्ज है तो मतलब कम हवा दे रहा है, अगर देखा जाए तो बहुत तेज़ हवा देता है जब बैटरी फुल चार्ज होती है। तो अभी समझ लीजिए 30% चार्ज है बैटरी। तो देखिए, मैं आपको एक बार पीछे से खोल के दिखा देता हूँ इसमें कितनी बड़ी मोटर है। तो अगर आप बिना बैटरी के लेंगे तो करीब करीब आपको 800 से 900 का पड़ेगा। तो आप ले सकते हैं आराम से, क्योंकि 800-900 तो कुछ ज़्यादा नहीं है, उसका 700 का ही मिल जाए। तो आप ट्राई कर सकते हैं अपने मार्केट में, हमने भी दुकान से लिया, ऑनलाइन से नहीं मंगवाया हमने। ये ले सकते हैं, अगर आप मोटर भी बाजार से लेने आएंगे तो 200 से कम की नहीं आएगी वाली मोटर जो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ ये मोटर। ये देखिए, पंखुड़ी भी काफ़ी बड़ी है, कोई छोटी नहीं है। ये क्या, 2 आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी लाइट जाते वक्त। ये देखिए, पंखुड़ी भी काफ़ी बड़ी है। देखिए, मैं आपको एक बार चला के बता देता हूँ। देखिए, बहुत अच्छी हवा दे रहा है, देखा जाए तो। अभी क्या, बैटरी कम चार्ज है तो कम हवा दे रहा है, और फिर भी काफ़ी अच्छी हवा है। अगर एक के मुंह पर रख दिया कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कितनी अच्छी हवा दे रहा है, देखा जाए तो। आपको एक बार दिखा देता हूँ आराम से। देखिए, आप देख ही सकते हैं हवा कैसी दे रहा है। तो दोस्तों, आपने देख लिया पंखा कैसा है, और मैंने आपको इसके अंदर भी दिखा दिया, तो देख सकते हैं आप आराम से। ऐसी सब चीज़ें आती हैं इसमें। आप यहाँ तक कि बिना बैटरी के लीजिए, क्योंकि बिना आप बैटरी अलग से लेंगे तो वो बैटरी भी ज़्यादा चलेगी देखा जाए तो। ये मोटर निकल नहीं रही, मैं आपको मोटर भी निकाल के बताया था, वो आगे से निकालनी पड़ेगी, उसमें 2 नट और खोलने पड़ेंगे। चलिए, मैं आपको एक बार मोटर और खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पंखुड़ी देखिए हमने निकाल दी है। ये भी आपको 40 से 50 रुपये मिल जाएगी बाजार में। पर पंखा बाजार से लेंगे वही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बाजार से आता तो उस चीज़ ज़्यादा चलती है घर के मुकाबले अगर देखा जाए तो। ये देखिए, मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इस पंखे का, पहली बार
ये निकल चुकी रही मोटर। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इतनी बड़ी मोटर आई है देखिए पंखे के अंदर। आप आराम से यूज कर सकते हैं पंखे को और बिना बैटरी के लीजिएगा, क्योंकि 800 से हो सकता है 700 से 800 के बीच में आराम से आपको मिल जाएगा वाला पंखा बिना बैटरी के। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पूरा पंखा खोल के दिखा दिया कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। बाकी ये लाइट आती थी पर लाइट क्या अभी टूट चुकी है, नहीं मैं आपको लाइट ही बता देता हूँ। छोटी सी लाइट आती है वो भी मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं आती अगर देखा जाए तो। बाकी पंखे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें अभी तक कोई ख़राबी नहीं आई है, 5-6 महीने हो चुके हैं हमको, कोई ख़राबी नहीं है अभी इसमें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पर एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते रहते हैं।